पशु मंत्री रामलाल जाट मौजूद हैं, जो आज राजस्थान में अब 33 नहीं 50 जिले हो गए हैं। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर इसकी घोषणा भी कर दी है, कैबिनेट में उसे मंजूर कर लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामलाल जाट, जो राजस्व मंत्री है, वो मौजूद है। कैसे देखते हैं राजस्थान 50 जिलों का हो गया? एक बहुत ही अच्छा आज खुश दिन है, श्रावण मास में भगवान शंकर की कृपा हुई कि जो 300-300 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर जिले पे लोगों को जाना पड़ता है, हेडक्वार्टर पे जाकर वापस शाम तक आ नहीं पाते, ऐसे ही खर्चा भी लगता है उनका, प्रशासनिक अधिकारी भी टाइम नहीं दे पाते, सरकार की जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो भी इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो पाती, एक फॉर्मेलिटी सी बातें होने लग गई। आज कई ऐसे मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान से छोटा हुआ 53 जिले हैं। इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी समझा रहे, 4.5 साल में रेवेन्यू इकाई का विकेंद्रीकरण किया, ग्राम स्वराज महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करते हुए, राहुल गांधी जी की पद यात्रा में जो लोगों की मांगें आई उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज उन मांगों को पूरा किया। तो 19 जिले भी बने, 3 संभाग बने, लोगों का आज आप देखो लगभग 5 लाख सेक्टर की आबादी के आधार पर, आज औसत आबादी के आधार पर जिले का गठन हो गया। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ, जो काम 25 लाख की आबादी का औसत था, जो आज घट के यहाँ आया नए जिले बनने की वजह, तो न्याय तो सुलभ हो गई, अधिकारी पहुँचेंगे, जनता भी आराम से पहुँचेगी, खर्चा भी कम होगा। बीजेपी तो इनके लिए अलग ही तर्क देती है, चुनावी लाभ लेना चाहते हैं आप, और कहाँ से आएगा आपके पास? देखो, जनता वोट देती है सरकार को, चुनाव जिताती है विकास काम के लिए। 4.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेता राहुल जी को जब ये आदेश मिला जनता का, उन्होंने सरकार गठन करवाई और उसी के आधार पर फैसले शुरू से किए जा रहे हैं। आज 125 उप तहसीलें बनाई, 85 हमारे तहसीलें बनाई, हमारे 35 उपखंड खोले, ये किस लिए खोले? वोट लेने के लिए, ये तो जनता की सुविधा के लिए है। इन चीज़ों को देख कर जनता रिपीट करने की सोचेगी कि वास्तव में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का काम है विरोध करना, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आम लोगों को फायदे, केवल झगड़ा करना, झूठ बोलना उनका काम रहा है, धार्मिक भावनाएं भड़काना काम रहा, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण, ये उनका काम नहीं रहा। जनता को कब से इसका फायदा मिलेगा? 7 तारीख आप मानदेय जिलों में जा रहे हैं, तब से या आज से आप? 7 आज गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, निकल चुका लगभग, यूँ समझो निकलने में होगा, 7 तारीख से लागू होगा। और मुख्यमंत्री जी ने जब आह्वान किया, सर्वधर्म सभा के माध्यम से प्रार्थना सभा होगी, वह विधिवत पूजा अर्चना होकर हमारा देवस्थान विभाग इस काम को मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए वो अंजाम देगा। वहाँ की जनता वहाँ आएगी, वहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे, वहाँ के जो एक हिस्टोरिकल काम होगा, तो 7 तारीख से सारे फंक्शन होंगे। और किया है कि रास्तों में जो समस्या आती थी वो भी आपने सोल्व करवा दिया कि आप जमीन दे सकते हैं, जमीन के बदले जमीन, DLC को लेकर इशू होता है, ये बड़ी दिक्कत थी, एक प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंपों में दिक्कत आई, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कैबिनेट में निर्णय लेके विधानसभा में अमेंडमेंट करवाया कानून में, पहले DLC रेट से पैसे का था, उसमें जमीन भी और जोड़ी है। निश्चित रूप से आज DLC रेट कम होती, मार्केट रेट ज़्यादा होती, तो आदमी पैसा नहीं लेना चाहता था, उसके पड़ोस में जमीन है, उसके अटैच जमीन है, तो जमीन के बदले जमीन का प्रावधान किया, सबको दे दिया। आपकी मांग अधूरी? मेरी कोई मांग अधूरी नहीं, हमारे संभाग की मांग है। तो उस समय हमें ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री इतना कुछ देंगे, बाकी हम उसी से मांग कर लेंगे, लेकिन मांग अधूरी नहीं जाएगी। हमारी कमेटी का टाइम बढ़ाया है, नए जिले बनाने का, नए संभाग बनाने का कोई अधूरी मांग नहीं रहेगी, निश्चित होगी। चुनाव से ऐसा कोई नहीं, कमेटी का है, कमेटी निर्णय देगी, उस कमेटी को मानना काम सरकार का है। रामलाल जाट, उन्होंने कहा है कि हमारी भी एक मांग थी, लेकिन हमें उस समय अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि इतना कुछ मुख्यमंत्री दे देंगे, हमने संभाग की मांग की थी, लेकिन अभी हमारी मांग अधूरी नहीं है, उसके लिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया और हमारी मांगों पर भी सरकार विचार करेगी। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राजस्थान चौक के लिए भरत राज।